नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? ऑप्शन सी, हेलसिंकी इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। और यहाँ पे आपको करेंसी बता देता हूँ, करेंसी जो है यहाँ की होती है यूरो, ठीक है। फिनलैंड की करेंसी होती है यूरो। और यहाँ की दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, पहली तो है फिनिश और दूसरी है स्वीडिश, ठीक है, याद रखना आपको। करेंसी यूरो एंड दो लैंग्वेज है ऑफिशियल, फिनिश एंड स्वीडिश, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, थिम्पू जो है वो भूटान की कैपिटल है, ठीक है। थिम्पू भूटान की कैपिटल है और टोक्यो ये आपका जापान का कैपिटल है और रोम जो आप देख रहे हो ये आपके इटली की कैपिटल है, ठीक है। और ये हेलसिंकी आपका फिनलैंड का कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? बताना आपको विश्व पर्यावरण दिवस कौन से दिन मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। और 4 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो ये नेवी डे, इंडियन नेवी डे, ठीक है। और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, IAF। और 21 जून को योगा डे। सारा कुछ मैं आपको रिलेट करवा के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज़ द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताना है आपको भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे। तो ये थे हमारे B.R. अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये थे इंडिया के पहले कौन, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, ठीक है। और ये जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कौन थे, इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे, ठीक है, ये थे होम मिनिस्टर। और ये जो आप देख रहे हो जवाहरलाल नेहरू, ये थे इंडिया के पहले फॉरेन एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये थे आपके एजुकेशन वाले मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु इज़ द फर्स्ट वुमेन, यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप फर्स्ट कर लो, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो देखिए, इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी आपकी प्रतिभा पाटिल, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। और अभी प्रेजेंट जो हैं वो आपकी द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट हैं, और ये सांथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, द्रौपदी मुर्मू कौन से ट्राइब से बिलोंग करती है, तो सांथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, ठीक है। सुचेता कृपलानी फर्स्ट CM, और ये जो आप देख रहे हो सरोजिनी नायडू, ये थी फर्स्ट गवर्नर, वोमेन गवर्नर। और ये CM कौन से स्टेट की बनी थी, ये UP की बनी थी। और सरोजिनी नायडू भी कहाँ की गवर्नर बनी थी, तो ये भी UP की ही बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आपको बताना है कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में है। तो देखिए, ये है आपके सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड? व्हेन वाज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड? तो देखिए, भारत का सबसे पहला पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई, कब हुआ एस्टेब्लिश्ड। देखिए, ये एस्टेब्लिश्ड हुआ साल 1936 में, और ये आपका कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड स्टेट और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू विच प्रोडक्शन? सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू विच प्रोडक्शन? सेरिकल्चर जो है वो कौन से प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सिल्क, नायलॉन, मिल्क या फिर रेफ्टॉन? देखिए, एस से सेरी और एस से सिल्क, तो आपको याद रखना है सेरिकल्चर जो है वह आपका सिल्क से रिलेटेड है। और क्या आपको पता है इंडिया का सिल्क सिटी किसको कहते हैं, तो सिल्क सिटी कहते हैं भागलपुर को, जो कि बिहार में है, भागलपुर को कहा जाता है सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन? जैसे ये एक समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, तो इसकी गहराई यहाँ तक होगी ना, गहराई, तो इसकी गहराई को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। तो देखिए,
इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है फैदोमीटर, जो डेप्थ मतलब होता है गहराई, ठीक है, ओशियन की गहराई को नापने के लिए फैदोमीटर का यूज़ किया जाता है, याद रखना आपको। और लैक्टोमीटर का यूज़ क्यों होता है, दूध की प्यूरिटी को, दूध की शुद्धता को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है लैक्टोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शोर टेम्पल इज लोकेटेड इन, शोर टेम्पल इज लोकेटेड इन, आपको बताना है शोर टेम्पल कहाँ है। तो देखिए शोर टेम्पल आपका महाबलीपुरम में है, जो कि तमिलनाडु स्टेट में है, ठीक, तमिलनाडु, TN लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड, बताना आपको पहले भारतीय है जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता। तो देखिए ये पहले भारतीय थे भानु एथिया, जो कौन से ईयर में जीता इन्होंने, साल 1983 में इन्होंने जीता, ठीक है, ईयर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच योर ऑस्कर अवार्ड स्टार्टेड, इन विच योर ऑस्कर अवार्ड स्टार्टेड, आपको बताना है ऑस्कर अवार्ड जो मिलता है तो वो कौन से ईयर स्टार्ट हुआ, किस वर्ष से मिलना स्टार्ट हुआ। तो ये हुआ साल 1929 से स्टार्ट हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम अब चेंज हो गया है, मेजर ध्यानचंद हो गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो सबसे बेस्ट अवार्ड, जो स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं उनको मिलता है, और सेकेंड नंबर पर होता है आपका अर्जुन अवार्ड, लेकिन फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। तो आपको बताना है पहले रेसिपेंट कौन थे जिनको ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। तो ये हैं चेस के प्लेयर आपके विश्वनाथन आनंद, जिनको साल 1988 में मिला था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट मिसाइल डेवलप्ड इन इंडिया, विच इज़ द फर्स्ट मिसाइल डेवलप्ड इन इंडिया, बताना है आपको भारत में पहला मिसाइल कौन सा डेवलप्ड किया गया। तो ये मिसाइल है ऑप्शन सी पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हेन वाज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया का प्रोग्राम भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। तो देखिए ये लॉन्च किया गया साल 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, आपको बताना है भारत का सबसे पुराना माउंटेन रेंज कौन सा है, विंध्या रेंज, द वेस्टर्न घाट, शिवालिक रेंज या फिर अरावली रेंज। तो देखिए ये है अरावली रेंज, ये आपका राजस्थान स्टेट में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलवनम बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, मंगलवनम बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, बर्ड सेंचुरी की एक प्राइवेट वीडियो मतलब पर्सनल वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप जाके देख सकते हो। मंगलवनम बर्ड सेंचुरी कहाँ है आपको बताना है, कौन से स्टेट में है। तो देखिए ये है आपका केरला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल IAS ऑफिसर इन इंडिया, हु वाज द फर्स्ट फीमेल IAS ऑफिसर इन इंडिया, फर्स्ट फीमेल IAS ऑफिसर बताना है आपको। तो ये थी अन्ना रजम मल्होत्रा, ठीक है, फर्स्ट फीमेल IAS ऑफिसर। विच कंट्री इज नो एज द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, विच कंट्री इज नो एज अ ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, यूरोप के ब्रेड बास्केट किसको कहते हैं। तो ये है आपका यूक्रेन देश, जिसका अभी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, आपको पता है रीज़न क्यों बुरा हाल है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच क्या हो रहा है, करीब एक साल से वॉर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है भारत में। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली में, और ये भी क्वेश्चन आता है कि न्यू दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल कब बनी, तो ये बनी थी साल 1911 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अनब्रेकेबल इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, द अनब्रेकेबल इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, अनब्रेकेबल बुक जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब किन्होंने इसको खुद से लिखा है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, खुद से किसी किताब को लिखना। तो ये था मेरी कॉम, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।